प्रज्ञा प्रवाह संघाद लोक मंथन गुवाहाटी तुकमें प्रज्ञा प्रवाह देशीय संयोजक जे नंदकुमार योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मुख्यमंत्री जी का उपस्थिति, ये गरिमामय उपस्थिति को हमको प्रदान किया, हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपनी प्रज्ञा से विभिन्न सत्रों में ज्ञान का संचार करने हेतु पधारे विदुषी विद्वत वक्तागण तथा विभिन्न राज्यों से इस आयोजन को फलदायी बनाने हेतु उपस्थित प्रतिभागी भगिनी बंधुओं का भी आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन और नमन मैं करता हूं। आपके सभी के वरद हस्त से लोकमंथन इस राज्य में सफलता के प्रेरक प्रतिमान स्थापित करेगा, ऐसी आशा की नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। धवल पंथ के उद्गीतों का पूर्वोत्तर का आमंत्रण, पुण्य भूमि है अरुणोदय की भारत भूमि जनगणमन, चैतन्यों के नाद यहां हो सप्तलोक स्वर अनुगुंजन, आत्मभाव से आप सभी का है अभिनंदन है अभिवादन। साथियों, लोकमंथन हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं प्रबुद्ध जन और अभ्यासियों को जोड़ने का एक प्रयास है। यह लोकमंथन की परंपरा के तीसरे संस्करण है, पहला भोपाल में 2016 में और दूसरा 2018 झारखंड प्रांत के राजधानी रांची में, और सही में 2020 में गुवाहाटी में होना था लेकिन महामारी के चलते हुए वो कर नहीं पाया। अभी 2022 में ये संस्कृति के महान भूमि में संपन्न हो रहा है। ये हम सभी में समाहित सांस्कृतिक चैतन्य को संबुष्ट करेगा, हमारा पूरा विश्वास यह है। हम चिंतन के पुण्य सलिला में आचमन करके आत्मिक उन्नयन को ध्येय बनाकर आपके सम्मुख लोक मंथन श्रृंखला लेकर उपस्थित हुई है। साथियों, हम सभी लोक का स्वरूप है और हमारे द्वारा मानसिक रूप से होने जा रहा वैचारिक प्रस्फुटन, चिंतन, अनुगुंजन और आत्मिक निबंधन ही मंथन है। लोकमंथन इस शब्द में दो शब्द आते हैं। इसका मंथन के बारे में एक अथवा दो पंक्ति बताना चाहता हूं। अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन की चर्चा पुराणों में प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप अमृत सहित 14 रत्न निकले, किंतु उसी से कालकूट विष भी निकला था जिसे लोक कल्याण के लिए भगवान शिव ने पी लिया था, इस प्रकार सृष्टि की रक्षा हो सकी। वस्तुतः लोक के रूप में हमारा मस्तिष्क नित्य प्रति इस प्रकार का मंथन करता है जो हमारे राष्ट्र की एकीकृत चेतना, मानवीय मूल्यों, धरोहरों और लोक संग्रह को समर्पित हो। सकारात्मक या लोक कल्याणकारी प्रयोजन को देवता तथा नकारात्मक प्रयोजन को दानव मानना चाहिए। दोनों ही प्रकार की शक्तियों वैचारिक रूप से अमर होने के लिए हमेशा संघर्ष करती है और यही संसार या लोक में भी होता है। मानसिक मंथन के उपरांत जो लोक संग्रह हेतु अच्छे प्रतिफल मिलते हैं वे अमृत आदि 14 रत्न हैं, और जिन विचारों के मूल में केवल स्वार्थ सिद्धि हो वे विषतुल्य है। इसलिए मंथन या चिंतन का उद्देश्य लोक कल्याण या लोक संग्रह होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता में लोक संग्रह को ही जीवन का उद्देश्य बताया गया है। गीता तृतीय अध्याय श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्तिता जनगादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को लोक संग्रह का महत्व समझाते हुए यही बात बताया था। ये हमारे लिए भी एक प्रकार से शिरोधार्य है और लोक में आ रहा हूं। सामान्य रूप से जब आजकल हम लोक की बात करते हैं तो लोक कला, लोक गीत, लोक संगीत, लोक आचार, लोक व्यवहार, लोकप्रियता और लोक व्यापीकरण इत्यादि शब्द प्रचलन में होने के कारण हमारा ध्यान इन्हीं शब्दों पर जाता है। इसका अनुवाद के रूप में फोक शब्द भी बहुत ज्यादा प्रचार में है, लेकिन लोक के लिए अंग्रेजी के फोक।
പ്രജ്ഞാപ്രവ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് ലോക് മന്ഥന് ഗുവാഹത്തിയിൽ ഊഷ്മളമായ തുടക്കം. ഇപ്പോൾ പ്രജ്ഞാപ്രവ ദേശീയ സംയോജിച്ച് നന്ദകുമാർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്.